Pakistan will cease to be a country, sir. Pakistan is not a country. Pakistan is an abbreviation. Yes, इसको जब आप समझेंगे, दुनिया का कोई कंट्री नहीं है जो अब्रीविएशन से बना हो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस शो पर। और आज हम कई दिनों के बाद तारिक सिंह फतेह साहब से मुलाकात करेंगे। स्वागत है सर आपका। कैसे मिजाज है सर? नया साल मुबारक हो। वैसे हिंदुस्तान का तो मार्च में आता है, लेकिन अब क्या करें, गुरु का आपको भी नया साल मुबारक हो। कनाडा का, हाँ कनाडा का अलबत्त, मुसलमानों का हमारा जो है वो तो बदलता रहता है। वो ना रहता हुए पहली मुहर्रम है, लेकिन वो फिर 10 मुहर्रम की वजह से हम पहली मुहर्रम नहीं मना सकते। वो तो सही है, लेकिन ये भी एक ऐसे हैं, कभी हमने मुसलमान अपना साल कभी नहीं मना सकता। क्या सर, मुहर्रम 10 मुहर्रम को तो आपको पता है क्या हुआ था? और पहली मुहर्रम सुन्नियों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। सर क्यों मरवाएंगे? आपके यहाँ तो शिया से शादी हुई मेरी। मैं पंजाबी वो गुजराती होता है। मेरी बेटी की दोस्त ने कहा, ये हाउ आर यू मुस्लिम इफ योर मदर इज गुजराती एंड योर डैड इज पंजाबी। घर आके पूछती ये क्या हो गया। उस बेचारी वो इंडियन बच्ची को पता ही नहीं था कि पंजाबी मुसलमान होते हैं और गुजराती भी मुसलमान। मैंने कहा बेटे उनको से कहना छूट कहीं नहीं है, बंगाल से लेके केरला तक हम हर जगह बैठे हैं। तो सर आज का जो टॉपिक है जी सर, वो ये है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने वाला? क्यों, आप क्या अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी हो गई आपको? उन्हें ना आपका क्या लगा? देखिए मैं क्लैरिटी, अफगानिस्तान एक मुल्क का नाम है और पाकिस्तान है अब्रीविएशन। उस अब्रीविएशन में अफगान भी शामिल है ना? अफगान में तो शामिल है, लेकिन बंगाल नहीं था तभी तो चला गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल रहे थे, उन्होंने कहा बी रह गया साहब। ना बी कौन है, भूखे बंगाली उसको उधर करो। हालांकि सिर्फ बंगाल में मुस्लिम लीग जीती थी, अगर आप को याद हो। वर्दी साहब प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के, उनको पहले दिन तो कहा एक तो तू बंगाली है, भूखा है वो, तो तू तो पाकिस्तान नहीं आ सकता। He was not allowed to enter Pakistan. उन्हें कहा साहब वो कतल वतल हो गए बहुत, कलकत्ता में मर गए लोग, बंगाली भूखा होता है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन का पता चला कि वो पीछे से कहीं से यूपी के थे, तो खाजा थे खाजा, उनको बना दिया गया खाजा निजामुद्दीन को, वहां ढाका में बिठा दिया, इनको निकाल दिया, पाकिस्तान में आने नहीं दिया। जिस शख्स की वजह से पाकिस्तान बना, न तू कहां से आ गया भैया, तेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, जिना साहब का सूट और तेरी अचकन नॉट अलाउड। या तो चूड़ीदार पजामा पहन के लचक करके पान खाते हुए आओ लियाकत अली खान की तरह, के यूं डाल के, और कभी पाकिस्तान में कदम नहीं रखा लियाकत अली खान ने, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो तो सब ठीक है, वो तो अब पुरानी बातें हो गई। आज की बात ये है कि अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया, सुना मैंने अफगानिस्तान पूरे पश्तूनिस्तान पर है उनका एरिया। तो ड्यूरेंट उनका बाप लगता है क्या? पाकिस्तान के पंजाबियों ने माना है ना ड्यूरेंट को, पश्तूनों ने तो कभी भी नहीं माना। ड्यूरेंट लाइन उनकी है ही नहीं। पंजाबियों ने कहा वो ड्यूरेंट, बिल्कुल जी सर, तो आपके आगे पीछे 1857 गदर से आपकी खिदमत करते आ रहे हैं। आप पंजाबी सिख ले लीजिए, हिंदू ले लीजिए, मुसलमान लीजिए, हमारा एक ही काम है आपकी फौज में भर्ती होके मरना, बताइए काम क्या। उन्हें ड्यूरेंट लाइन सेट कर दो। सुन्नी पश्तून को सुन्नी पश्तून से डिवाइड करके उन्हें ड्यूरेंट लाइन बना दी। अब उसकी जस्टिफिकेशन भी है, हर पंजाबी और आपके यूपी वाले को पता है,
और जी रेडक्लिफ लाइन तो ये है तो वो है, अब भाई ड्यूरंड लाइन कहां से आ गई? तो उससे डिवाइड कर दिया पश्तूनों को इस साइड और उस साइड में, और फिर जिसने कहा कि गलत हुआ उसको उधर का, तू तू इधर आ जरा फ्रंटियर गांधी तुझे ठीक करते, उसको बंद कर दिया, गवर्नमेंट उसकी डिसॉल्व कर दी, और एक कश्मीरी को खान अब्दुल कय्यूम खान को चीफ मिनिस्टर बना दिया ये डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट डिसॉल्व करके। सब ये पाकिस्तान की जादूगरियां हैं, मुल्क नहीं है हमारा। ये वो है, वो नहीं आते थे बंदर का नाच दिखाने वाले डुगडुगी वाले, फिर बंदर रोड पे वो बंदर नाचता था और बच्चे जमा होते थे, फिर वो रुक जाता था बंदर पैसे इकट्ठा करते थे। वो पाकिस्तान वो नौबत आ गई है, डुगडुगी बजाते हैं कभी बाजवा कभी इमरान खान, और कई दफा तो आजकल तो लीक भी हो जाता है कि कैसी डुगडुगी बज रही थी। अरे साहब तालिबान ने अपनी सरकार डिक्लेयर कर दी है सर, हमें खबर नहीं आई अभी, आपको आई होगी। अरे पूरी बता देता हूँ आपको, पूरी सरकार डिक्लेयर हो गई है सर, और उसमें आपका पूरा पेशावर और मर्दान और चित्राल और सर उसमें होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आ गया नॉर्थ प्रोविंस में, और साउथ प्रोविंस में आपका बन्नू डेरा इस्माइल खान ये सब एरिया उनकी साउथ प्रोविंस में आ गया। साउथ उनके पास तो वो भी थे बमियान के स्टैचू, क्या कर लिया आपने? बम मार के गोले मारे जिसको किसी ने टच नहीं किया था इन्होंने का। अरे सर आप सारे लोगों को पाकिस्तान वालों को वो पहनना पड़ेगा, वही जो चोगा पहनते हैं वो, और वो चोगा नहीं पहनते सर, वो नहीं पहनते, ये आप लोग गलत फहमी है, यूपी वाले पहनते हैं वो चीन की एक रुपए वाली टोपी सर के ऊपर और अजीब से कपड़े पहन के हर जगह यहाँ इंडियन नजर आते हैं, अरबी कपड़े पहने। पाकिस्तान में शलवार कमीज चलती है, आपने देखा होगा हर मीटिंग के अंदर हर आदमी एडजस्ट कर रहा होता है। आपने कभी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की मीटिंग देखी है? शलवार ही एडजस्ट होती है, खैर वो कर तो अंडरवेयर अपना रहे होते हैं। अरे सर वो कैबिनेट मीटिंग हुई अभी लेटेस्ट, आपको पता नहीं उस कैबिनेट मीटिंग में लेटेस्ट हुई है, उसमें इस बार लाइटें नहीं जली है। हाँ अंधेरे में हुई है कि अंधेरे में बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। नहीं नहीं वो अंधेरे नगरी को उन्होंने अडॉप्ट किया क्या है चौपट राज, अंधेर नगरी चौपट राजा ना मुल्क आपने बनवाया नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने, ये परमानेंट लतीफे आपको यहाँ से मिलेंगे। अब जहां इस खुदाई बुदाई कर लीजिए मंजूदारों नहीं निकलेगा, लतीफा निकलेगा अंदर से। एक तो है नहीं कह पाते मेरे पाकिस्तानी भाई, हा अजीब से हा कहते हैं, हा रा पा बड़ी बेइज्जती है खुदा की कसम, इनको ले जाइए वापस उर्दू सिखा के भेज दीजिएगा, पंजाबियों को बहुत तंग किया हुआ है। नहीं तो अगर तालिबान की हुकूमत हो जाए अफगानिस्तान बन जाए पाकिस्तान तो आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत यह है कि पश्तो बोलनी पड़ जाएगी, और तो उर्दू से तो अच्छी है ना। ना ना घंटा सर, इस्लाम की जबानों में कैटेगरीज है, आपको नहीं पता शायद, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड आती है, फिर शेकड़ी ग्रेड आती है। ए ग्रेड में आती अरबिक, बी ग्रेड में फारसी और तुर्की आते हैं, ये उसके साइड वाले गार्ड नहीं होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसे साथ साथ चलते हैं। फिर सी ग्रेड आती है वो जो हिंदुस्तानियों को नसीब हुई, उर्दू। ओके। हाँ ना वो ठीक कोई बोल सकता है ना कर सकता है, एक ही काम में फायदे में आती कि झूठ उसमें बड़ा आसानी से बोला जा सकता। वो कैसे? उर्दू आप कुछ भी कह दीजिए उर्दू में, आप दूसरा आदमी वाह वाह ही करेगा, आप कुछ कह के देख लीजिए आप शेर-ए-शायरी में। अरे कुछ नहीं, सिर्फ आप उर्दू में बात कर दीजिए तो दिल्ली के किसी बाजार में जाके इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले, 500 आदमी तो कहेगा वाह 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 मुकर्रर इरशाद। आपके यहाँ क्या होता है हर साल एक जलसा लगता है उर्दू बोलने वालों का? रेख्ता, जश्न रेख्ता। वो किसी को उर्दू में समझ नहीं आता वर्ड क्या है वो कहने का, ऐसा नहीं रख देना कि समझ में आ जाए लोगों को, हमारी जबान जनाब ऐसी कोई समझ ही नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान पे एक हिंदुस्तान जिससे कसम खाई है दुश्मनी की, उसकी जबान है
पाकिस्तान में, इंडिया नहीं है। कहा हम आगे सारे पंजाबियों से उर्दू बुलवा के इतनी बेइज्जती कराएंगे कि अच्छा अच्छा खासा आदमी जो शर्मिंदगी से मर जाएगा। सब उर्दू तो कौम की जुबान है ना, तो कौम पर कौम की जुबान बोलेंगे। कौन सी कौम? पाकिस्तानी कौम, जो अब अफगानी बन जाएगी। ये इसको कौम कहते हैं आप? किसने कह दिया आपसे ये कौम है? आपने पकड़ के वहां से भेजे पान और चूड़ीदार पजामा और कुर्ते पजामे लेके भेज दिया, ट्रेन में बिठा बिठा के, हाथ में लोटा मुंह में पान, देख के रहेंगे पाकिस्तान, बेड़ा घर सबका कर दिया। वहां बंगालियों को मारा या सिंधियों को मार रहे हैं, पठानों को मार रहे हैं, उर्दू के नाम से जब फंसते हैं एक आध शेर कह देते हैं बस। आपने कभी और भी कुछ सुना है, कोई अफसाना सुना है या कोई शॉर्ट स्टोरी बोले ना? ये झूठ बोलने के लिए अल्लाह ताला ने खास मुसलमानों के लिए एक जबान बना के दी कि और तुम हमारी किस किस नेमत से इनकार करोगे? कुरान में है, हमने तुम्हें उर्दू दी जिसमें तुम झूठ बोलते रहो, दूसरे को समझ ही नहीं आएगी कुछ। तो इसी ना, उर्दू छोड़ के पश्तो स्वीकार कर लीजिए ना। अरे हम तो कहते हैं हम कौन से, हम तो गफार खान के वो हैं खिदमतगार, हमें कोई इतराज नहीं, पश्तो हो, बलोची, सिंधी, अरे जबान हो। ये जो आपने इंडिया और हिंदुओं से दुश्मनी करके उनकी जबान पाकिस्तान पे ठूस दी, आई एम नॉट जोकिंग, ओनली 5% ऑफ पाकिस्तानी स्पोक उर्दू जब आपके नवाबों ने आके उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज करार दिया। और ढाका में जिना साहब अपना सूट पहन के गए और इंग्लिश में कहा कि द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान शैल बी उर्दू एंड नथिंग बट उर्दू। लोगों ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर किसी ने कहा दोनों वर्ड इंग्लिश में नहीं है भाई साहब, दिस इज अ जोक, ही सेड इट इन इंग्लिश टू अ मिलियन बंगालीज दैट देयर लैंग्वेज इज उर्दू। उन्होंने कहा क्या बोल रहा है? हमको क्या पता बोल रहा है, सूप महंगा है इसका। सौरवर्दी को उसने निकाल दिया मुल्क से। अब सब जाने दे, ये दुख पुराने हैं, इनको भूल जाए, अफगानिस्तान ले जाए, ठेके पे ले जाए सर प्लीज। कम से कम अपना लिबास होगा, को काम होगा, मरने मराने के लिए तैयार होंगे। ये थोड़ी हो कि सरेंडर भी कर दिया और मुजाहिद भी। अफगानिस्तान ने सरेंडर नहीं किया कभी 90,000 सोल्जर से। उन्हें लाहौर को आके अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, जलाया। द ओनली पर्सन हू एवर डिस्ट्रॉयड सिटी ऑफ लाहौर वाज अहमद शाह अब्दाली। यू कैन इमेजिन दैट लाहौर के साइंटिस्ट ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल का नाम क्या रखा? अब्दाली। हाँ, उन्होंने कहा इतनी पिटाई की हमारी खुदा की कसम आज तक मजा आ रहा है। तो मिसाइल का नाम अब्दाली वाले आ रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, तो इनको तो खुशियां, इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा वाला आ रहा है और कौन सा वाला जा रहा है। टीटीपी क्या है? एक है टीटीपी पाकिस्तान और एक है टीटीपी अफगानिस्तान। नहीं, एक है तालिबान और एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब वो जैसे तहरीक नहीं है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। एक है चॉकलेट और दूसरी है मिल्क चॉकलेट। अरे भैया, वो चॉकलेट ही होती है, अफ्रीका से आती, वो किसी के नसीब में नहीं थी, गोरे ने बना दी चॉकलेट, हम खा रहे हैं। वो ला रहा है वहां से इस्लाम, हम स्लिप्स में बैठे हुए हैं कि को हमारे हाथ में आ जाए तो हम पकड़ लें, क्योंकि इन बदनसीबों को तो इस्लाम आता नहीं है। इनकी जो ठुकाई करता है वो सिखाता है इन्हें, तैमूर आके सिखा देता है, बाबर, आप जो देखिए जो आए सिखा देगा इनको इस्लाम। ये झुक के बैठ जाएंगे, आइए बताइए सर क्या 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 खिदमत कर सकते हैं हम आपकी। सर वो तो पुराना तौर तरीका है ना अफगानों का, तो बच्चाबाजी। सर ये बच्चाबाजी, ये अब्बाबाजी हो रही है, बच्चाबाजी ये बाजूरी हो रही है। क्यों बुढ़ापे वाले लोग ड्यूरेंट ले जा भैया, तो सब कुछ ले जा, दबा हो जाए यहाँ से। एक तो आप लोग ले जाए अपनी उर्दू वापस, ये बड़ा एक है। सर हमारी नहीं है उर्दू, उर्दू आपकी है। हमारी कहाँ से है? ले गए आप यहाँ से। अरे कहाँ से, बाय बाय कर दी।
वो जो तुर्की सोल्जर बोलते थे सड़क में, जिस तरह ब्रिटिश सोल्जर्स ही बोलते थे, आमने को छुमारे को जाने को मांगता है, ये उस किस्म की हिंदी बोलते थे तुर्की, वो बन गई उर्दू। हमने कहा यार इतना गोरा मुसलमान ये कैसे हो सकता, पकड़ के ले आए हर कोई सैयद जैदी नकवी, वो उर्दू बोले जा रहा है। उर्दू का क्या ताल्लुक है एक सिंध में रहने वाले का, या बलोच या पंजाबी, खैर पंजाबी को तो माफ कर दे, उस बेचारे को तो पता ही नहीं वो है कौन। वो कहता है जो भी आए साड़ी ठुकाई लाए तो सानू जबान दे जाए, असी खिदमत करने वास्ते पैदा हुए हैं। पहली जंग अजीम पंजाबी गोज टू फाइट, किससे लड़ रहा पता नहीं जी, बर्मा भेजना आज भेज दो या नहीं ना फ्रांस जाएंगे आप सब, ओके जी फ्रांस भी भेज दो, अच्छा नहीं नहीं मुगलों की ऐसी तैसी करनी है, गदर आया हाँ जी उधर भी चले जाओगे, गल ही कोई नहीं। सब वो आपने काट पीट के जो पंजाब आपने छोड़ दिया हमारे लिए, बाकी आप उस साइड पे ले गए, तो आप रहम तो करे ना, आप हम पे मजाक तो नहीं उड़ाए, अंदर से आप हंस रहे हो, चेहरा आपने ऐसा सीरियस बनाया हुआ दानिश्वरों वाला, मुझे दिख रहा है आपका जो आपके चेहरे पे। सर मैं तो आपको खबरें दे रहा हूँ और आपके कमेंट्स ले रहा हूँ, मुझे ये खबर नहीं है, ये रियलिटी है। आप अफगानिस्तान एक मुल्क है, आप मेरी बात सुनें, पाकिस्तान है, उज़्बेक है, हजारा रहते हैं, फारसी जबान है, पश्तो है, उन्होंने एक दूसरे की ऐसी तैसी तो नहीं की ना, ये हमारे उसके अंदर आते भी तय नहीं हुआ 75 इयर्स में कि जबान क्या बोलनी है। बस जो जरा बात करो ना रा का एजेंट है, और इतनी बुरी उर्दू यार खुदा की कसम, इतनी बुरी उर्दू नहीं बर्दाश्त होती, मेरी मातृभाषा उर्दू नहीं है। मेरी मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने जी, सुनाइए हमसे कौन पाकिस्तानी कौन। हाँ बिल्कुल, मैं खालिस उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी करिए। आपके जो एक वजीर दाखला है, उसका मतलब कुछ और होता है सर। ओ मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, वैसे राणा है वो जी जी, तो उन्होंने अफगानिस्तान को धमकी दी। अच्छा। कि वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। अच्छा। तो उसके बाद अफगानिस्तान वालों ने ट्विटर के ऊपर एक पिक्चर लगा दी, वो आप जानते कौन सी पिचकारी दी उन्होंने पिक्चर लगा दी 1971 वाली। अच्छा मैंने समझे शायद वो पठान मूवी की पिक्चर लगा दी। पठान मूवी की पिक्चर तो उन्होंने कहा कि ये हाल करेंगे हम तुम्हारा, और उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो मीडिया है, और आज आपको तो पता है आजकल तो पाकिस्तान का मीडिया तो बहुत एक्टिव है, और उस पे जो आपके जो महिला आती है एंकर आती हैं वो हिजाब भी नहीं लगाती, तो उनमें सब में जो है वो तड़पड़ाहट है कि क्या हमको भी वही बुरका पहनना पड़ेगा, या हम जो है वो टीवी पे बोल भी पाएंगे कि नहीं। उनसे कह दीजिए आपको जरूरत नहीं होगी, आपके मर्द बुरका पहनेंगे। बड़े अरसे से पहने हुआ इन्होंने बुरका, ये वहां से 1857 से बुरका ही पहने बहने, इनको कोई मीर जाफर वाफर सारे इनके बुरके ही पहन के आए थे। तालिबान वो जो था इनका हीरो जैबटाबाद में पकड़ा गया था, वो क्या पहन के भागा था? मीर जाफर तो बहादुर आदमी था, वो तो शिया था इसलिए उसको बदनाम कर रखा है बेचारे को सर। लेकिन मैं उस नए वाले की बात कर रहा हूँ जो अफगानिस्तान से बुरका पहन के भागा था एबटाबाद। अच्छा, वो बुरका पहन के, बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि पश्तूनों ने उसको चाल भी सिखाई कि बुरके अच्छा। में यू चाल होती है पाकिस्तान फौज से बचने के लिए, और ना आपकी पाकिस्तान फौज की एक्सपर्टीज इसमें बहुत ज्यादा है, आप आराम से जाके वहां। अच्छा बाय द वे, वो जो थे हमारे मुसलमानों के लीडर जो एबटाबाद में पकड़े गए, उसके पास उसका जो पोर्न कलेक्शन है दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। ओसामा जी की बात कर रहे हैं क्या आप? ये जो अपना था लेटेस्ट जो आया है, क्या नाम है जिसको डुबो के मार दिया? ओसामा जी, हाँ ओसामा बिन लादेन।
अरे सर ओसामा जी बोलते हैं उसको हमारे दिग्विजय जी, वो कांग्रेस वाले हमारे यहाँ जो है वो ओसामा जी बोलते, ओसामा जी बोलते नहीं क्या वो जो पैदल मार्च कर रहे हैं आपके पप्पू उन्होंने सिखाया है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओसामा जी। वो क्या कर रहे हैं, वो दाढ़ी क्यों रखे हुए उन्होंने सर, ये तो बताइए। वो किसी ने बताया कि वो सद्दाम हुसैन वाली दाढ़ी है? अरे ऐसी नहीं थी, ये तो बहुत ही यानी बकरा ईद वाली दाढ़ी है इनकी, ये कहीं हाथ गलत हाथ लग गए मारे जाएंगे ये चक्कर में। बट व्हाट इज ही डूइंग टू हिमसेल्फ, यात्रा कर रहे हो तो इतनी बड़ी दाढ़ी है और वो दाढ़ी तो फिर पूरी होनी चाहिए ना कि जो सर दाढ़ी होनी चाहिए तो मूंछ नहीं होनी चाहिए, आपको वोट बैंक चाहिए ना तो आप असल किस्म के गधों वाली शक्ल। ये आपने बिल्कुल माकूल बात कही है, ये हम अभी जैसे ही ये रिकॉर्डिंग समाप्त होती है वैसे ही हम तुरंत इसको उनको और वो अपनी सुझाव दे देंगे। बहन किसे पपिया ले रहा है, अजीब तो क्या ये तमाशा है सर, आप वो इट्स लाइक डिमेंटेड चिल्ड्रन, चल झूठे के चल झूठे, ये तीसरी जमात में कहां पढ़ते हैं ये, देख के मैं हैरान हूं, करे जा रहे हैं उन्होंने चुटकी काट ली, अम्मा अम्मा चुटकी काटी कुछ स्टैंडर्ड होता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो बच्चा जो है 50 साल का वो इटली में, सर मेरी भी फुफ्फो इटालियन है, ऐसा इटली के अंदर रेड गार्ड्स होते थे, बम फोड़ते थे। अच्छा मतलब इटली वाले बुद्धू नहीं होते, क्या बात कर रहे हैं सर, हमें तो वही मिला है। इटली में सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़िए आप के किस कौन लड़ा नाटसी से, ये इटालियन न्यूयॉर्क के लेके गए वहां, और जो पूरी वो जो रेड आर्मी थी ये कम्युनिस्ट पार्टी की, वो सारे दे फॉट टू द नेल अगेंस्ट द नाजी आर्मी दैट वाज रनिंग अवे, वो खामखा इन लोगों की वजह से इटली बदनाम हो रहा, अच्छे खासे इटालियन होते हैं वो पप्पू बन के वहां इटालियन बदनाम कर रहे, इसके खिलाफ इटली में मूवमेंट इसका यात्रा रोको। He really is making fun of himself. Who is advising this fellow? ये advice सर जो बचपन से इतने शार्प होते हैं उनको advice की आवश्यकता नहीं पड़ती। But he looks like a child. Honest to God. अब बीजेपी वाले तो मजे ले रहे होंगे देख देख के उनका रोज शाम को तब मजा। अरे आपको पता नहीं, एक बात बताता हूँ आपको, कल आरएसएस ने हमारे पप्पू की यात्रा का समर्थन कर दिया। अच्छा उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि यात्रा निकाल रहा है। अच्छा क्यों? और हम इसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। आप सोच सकते हैं कि यात्रा से किसको फायदा हो रहा है। ओ यस ऑनेस्ट कल स्टेटमेंट आया है जो वीएचपी के जो आप उन्होंने पाकिस्तान कंसल्ट नहीं किया क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट है उसके जो सेक्रेटरी हैं चंपत हाँ, राय जी हाँ, उन्होंने ये बिल्कुल स्टेटमेंट दिया है और ये भी कहा है कि यदि कोई 50 वर्ष का युवा यात्रा निकाल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सभी को निकालनी चाहिए। अब वो जो हमारा पप्पू है पाकिस्तानी वो भी आज उसको भी निकालनी चाहिए। नहीं वो भी कह रहा है आरएसएस का तो मतलब होता है एसएस, आपने सुना? यस जर्नाची एसएस से जोड़ लिया उसने और निकल गया, किसी ने सवाल नहीं आगे से पूछा घास खा गया है क्या हो गया तुझे, किधर की एसएस और आरएसएस, बोला जोड़ तो मिलता है वजन तो देखो आरएसएस एसएसएस आरएसएस इन दोनों की दोनों पप्पुओं की शादी करा दी जाए खुदा की कसम। हाँ आजकल वैसे भी एलजीबीटी तो चल रहे हैं में। आप सोचिए कितने अच्छे लगेंगे दोनों, दो दूल्हा दो पप्पू साथ साथ हमेशा कश्मीर अश्मीर खत्म, बस बारात कहाँ जाएगी ये अलबत्ता और बात है, इसको ये एक उड़ा दीजिए कि होने वाला रिश्ता भेजा अभी किसने किसको भेजा है
किसी ने किसी को भेजा होता है, एलजीबीटी चल रहे आजकल तो क्यों कोई भी किसी को भेज सकता है भाई। दोनों पप्पू चल रहे हैं, दोनों मासूम हैं, दोनों यात्रा कर रहे हैं, दोनों की इंग्लिश जो है बहुत ही माशाअल्लाह है, तो वो कोई भी कर सकता है। एक ने मुझे ब्लॉक किया वैसे भाई। किसने? वो हमारे वाले पप्पू ने मुझे ब्लॉक किया। उसको मैंने कई दफा सजेस्ट किया है कि ही शुड स्टार्ट डेटिंग द अदर पप्पू, दैट विल बी वेरी गुड फॉर हिम। आप इस तरह के खुराफात करेंगे तो ब्लॉक ही करेंगे बेचारा, तो क्या करेगा। लेकिन मेरी बात तो उसके जहन में आएगी ना, जब आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली, कहीं रिश्ता नहीं कोई दे रहा, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो मैं तो कनाडा जो किंग ऑफ एलजीबीटी एरिया है, इससे बड़ा मुल्क एलजीबीटी के लिए बनाया नहीं है। यहाँ तो एलजीबीटी वेल से लेके एलजीबीटी क्रैब्स हर एक का, वो कौन है लड़की है? जो स्वीडन वीडन की है, ग्रेटा, ग्रेटा, अरे बाप रे, ग्रेटा को गुस्सा आ गया। वो कौन सा किसको गुस्सा बड़ा आता था, ग्रेटा गुस्सा आ जाता है, चीख चिल्लाट शुरू कर देती है, और पीछे उसके वो मलाला भी होती है, कीप इट अप, कीप इट अप। यानी सारी दुनिया की लेफ्ट विंग सियासत जो है वो गरीब गुर्बत ये सब खत्म, ये डांगे नमूदरी पद ये सब इनको दफन करो, अब नहीं आ गई है एलजीबीटी की लेफ्ट विंग सियासत, और वो चलती है मार्केट में माशाल्लाह, क्योंकि अपर क्लास तो आपको पता है वो विक्टिम बन जाती है उस चक्कर में। लेकिन सर आप बिलावल के साथ जो है इंसाफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिलावल जो है वो एलजीबीटीक्यू बन गया, हाँ, और पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान, हाँ, तो लावदाद के जुर्म में तो उसको उसको रजम कर दिया जाएगा, उसको पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दिया जाएगा। पत्थर मारेगा, कभी किसी मर्द को पत्थर पड़ा है अफगानिस्तान में? औरतों को पड़ते हैं मर्द, किसी बच्चेबाजी में किसी को पत्थर पड़ा आज तक? आप समझते ही नहीं बच्चेबाजी होता क्या। एक तो इंडियंस को कुछ नहीं आता, तो सर समझाएं जरा, खुलासा करें। MBA कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, CEO बन रहे हैं, भैया समझे महल्ले का किरदार तो समझिए क्या हो रहा है पूरे इस तो इलाके में। आप समझाइए साहब, ये बच्चेबाजी क्या होती है? बच्चेबाजी होती है, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, टॉसिंग ऑफ दी द बच्चा। बच्चा दुल्हन के साथ बच्चा भी आता है जहेज में, ये नहीं सुना आपने? तो बिलावल किसके साथ जाएगा? अब मुझे क्या, इतनी डिटेल नहीं, मैं तो कनाडा आ चुका हूं, मैं तो उसकी प्योर साइंसेस में इन्वॉल्व हूं, मुझे थोड़ी उसकी एप्लीकेशन क्या है, इंजीनियरिंग नहीं पता उसकी नहीं है। वो आपस में दोनों पप्पू तय करेंगे, आपके बिलावल और ये मिस्टर यादव। वो तो एलजीबीटी के जुर्म में उसको तो मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ा के वहां से धक्का दे दिया जाएगा, इसलिए आपको गलत ऐसा सुझाव ना दे ना। हमारे यहाँ इस पे कोई एतराज किसी को भी नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि फराने बादशाह। वो तो सब आपकी किताबों में लिखा है, शरीयत में लिखा है। शरीयत में लिखा है, पाकिस्तान के शरीयत से क्या ताल्लुक हो गया? कल को आप कहेंगे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इसलिए थोड़ी पार्टीशन हुआ था। अंग्रेज बाबू ने पैसे लगाए, जिन्ना साहब को ठेका दिया कि जाओ पाकिस्तान बनाओ, तोड़ के आओ, जरा इंडिया के बाजू काटो। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर, जाके काट के पार्टीशन कर दिया, 10-20 लाख आदमी मार दिए, खत्म हो गया, मर गया, मरते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ऊपर वाला भी देख रहा था, उन्होंने कहा ये कौन है यार? उन्होंने कहा साहब सूट बड़ा महंगा पहनता, इसकी जरा गैस खत्म कर दो। हमारे मेन रोड जो थी उस पर जिन्ना साहब लेटे हुए थे और उनकी गैस खत्म हो गई गाड़ी की, एम्बुलेंस की। अब वो उनका ड्राइवर निकला, हॉर्न बजा रहा है, अबे कायद आजम पड़ा हुआ है यहाँ, पेट्रोल दे दो, किसी ने नहीं दिया पेट्रोल। ये किस्सा नहीं सुना आपने? मैंने तो ये सुना था कि कायद आजम ने कहा अपनी बहन से कि मैंने पाकिस्तान बनाकर गलती की। ये तो पहले की बात है सर, जब मरा है तो उस वक्त तो ईंटें लांग के उसके पैर के नीचे एम्बुलेंस में पांव ऊपर करने की जगह नहीं थे, ईंटें डाली गई और उसके अंदर उसके पांव ऊपर की गए, ड्राइवर हाथ से लो ट्रैफिक को रोक रहा था, जिन्ना साहब मर रहे हैं, जिन्ना साहब मर रहे हैं, कायद आजम ने कौन, कायद आजम यार क्या बात कर रहा है, पागल हो गया, वो वहीं मर गए। जो उनके डॉक्टर थे वो पकड़े गए, एंड ही वॉज शट डाउन इन प्रिजन सो दैट ही वुड नॉट स्पीक टू द प्रेस।
पढ़ी हुई किताब है मेरे पास, डॉक्टर इनाम इलाही ना, ऐसा नाम था कुछ उनका, जहां अस्पताल नहीं था वहां भेज दिया उसे। तो लियाकत अली खान आपके हरियाणा वाले वो चूड़ीदार पजामा और अचकन वचकन पहन के आते थे, एंड ही यूज्ड टू आस्क कि बुढ़ा मर गया नहीं मरा अभी, एंड इट इज शॉकिंग दैट व्हेन ही वाज इल दे सेंट हिम टू अ प्लेस वेयर देयर वाज नो हॉस्पिटल। उन्होंने कहा पीर साहब वहां है वो जियारत, जियारत क्या नाम था जगह का, जियारत, जियारत मीन्स अ प्लेस टू विजिट, जियारत शहर का नाम। हम जियारत करने नहीं जाते हैं, दिल्ली में कई मकबरे हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। द मैन, देयर वाज नो डॉक्टर इन दैट सिटी, दे सेंट द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान टू अ प्लेस वेयर देयर वाज नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल, नो क्लिनिक, नो ब्लड प्रेशर, नो थर्मामीटर, सब जो है इस्लाम के खिलाफ है। वो ट्रक के अंदर उसको लेके आए और पेट्रोल खत्म हो गया। तो वैसे मैं आपको बताऊं, आजकल पाकिस्तान में सब जगह पेट्रोल खत्म हो गया है, पाकिस्तान की रेलवे का भी पेट्रोल खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास एक दिन का तेल बचा है, तो हम गाड़ियां चलावें कि ना चलावें। सर उनका खत्म हो गया सर का तेल, सरसों का तेल खत्म हो गया, उस खोपड़ी के अंदर तेल नहीं बचा। इनको कहा कि वो बाजार बंद कर दो, तो उन्होंने कहा ले भी ये इस्लाम के खिलाफ है, हमने कभी दुकान बंद की है? देखिए हम जो मुसलमान रहते हैं वहां तेल ही तेल है। उन्होंने कहा भैया पे तेल है ही नहीं मुल्क में ना, फिर क्यों दा दुआ मंगो तो आ जाता तेल। अरब जड़ा है वो दुआ मंगता उन्होंने तेल मिल गया, तुसी लाना थे हिंदुओं के एजेंट। दे रियली बिलीव इट, आई एम नॉट जोकिंग, दे बिलीव इन मैजिक, एंड फूकी मार दी तो ताली बजा दी तो चोर भाग गए। If I go into the reality, you will not understand. थूकने का भी तो कुछ साइंस है ना वो? सर इतनी साइंसेस है, ताली बजवा देते थे कि शैतान भाग जाता था। ऐतल कुर्सी होती है, हमारे अम्मा पीट के कहती थी ऐतल कुर्सी पढ़ी है? नहीं अम्मी नहीं पढ़ी। एक छपाक पड़ती थी, तीन और चारों बच्चे हमारे ऐतल कुर्सी पढ़ते थे कि रात को चोर नहीं आएगा। मैंने एक दिन अम्मी से कहा कुछ है ही नहीं यहाँ, कौन आएगा, ये तो खाली पड़ा हुआ सब कुछ, सब बंबई छोड़ के आ गई आप, अब यहाँ ऐसे कुर्सियां पड़वा रही है। आप पाकिस्तान, मैं आजकल उसको फिर से पढ़ रहा हूँ नायपॉल को, वो उसको उसने जब इंडिया का मजाक उड़ाया ना, पाकिस्तान को बड़ा मजा आ गया। ना इस बंदे ने बुलाओ, ये लिखेगा इंडिया के अगेंस्ट, उस पाकिस्तान के ऊपर जो लिखा है ना, दैट्स हिलेरियस। ये इतने जाहिल लोग हैं कि ये समझे कि वो इंडिया जाके बड़ा हिंदू है और जनाब ट्रिनिडैड का बड़ा एंटी इंडिया, नैनू बुलाओ, उसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी है। बियॉन्ड बिलीफ, बियॉन्ड बिलीफ इज एन अमेजिंग राइटर। वैसे नायपॉल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैंने इसको बीबीसी रेडियो पे, मैं साउथ अरेबिया में सुनता था, द हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, जहां जा रहा होता था आई यूज्ड टू स्टॉप 15 मिनट एवरी नाइट, उसका एक ये प्ले चलता था। मुझे उस जमाने में नहीं पता था कि ट्रिनिडैड में अपने जैसे देसी लोग रहते हैं। आई वाज फैसिनेटेड, उसका प्लॉट जो था उसमें मुसलमान भी थे हिंदू भी थे, कहां कहां के लोग कैसे कैसे इंग्लैंड जाते थे पढ़ने। दैट मैन इज अ क्विंटेसेंशियल इंडियन राइटर, लोग सलमान रुश्दी को कहते हैं। आई थिंक नायपॉल वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम आवर सबकॉन्टिनेंट। बाय द वे सर, एक नई मिनिस्टर न्यूजीलैंड में देसी निकली है, सब आजकल हर कोई वो बर्तानिया वाले की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने देखा बाकी जगह भी जो होंगे हमारे कुछ लोग, न्यूजीलैंड में कैबिनेट मिनिस्टर है वो, आपके साउथ अमेरिका में दो तीन हैं, and everywhere they are doing an exceptional job and are known for especially this she's a physician, main naam bhul raha hu is waqt, Maldives se hain wo, and she is I think the doctor of minister for health or something, but these women are doing an incredible job, jahan pe bhi desi aurat
काम कर रही है ना, दे दी बस अमेजिंग इंप्रेशन। ये सब चीजें अब आप भूल जाइए, अफगानिस्तान का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पे। अरे नहीं होता है सर, अफगानिस्तान हो जाए तो अच्छा होगा। तो वो आपके जितने भी हैं ये घूम रही है बाहर, उनको सबको अंदर बंद कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, कहा जाएगा कि बाहर नहीं निकल सकते मेहरम के बगैर। वो ना निकले बच्चे को, बच्चा कमाने आबादी कम है क्या, बच्चे दे देंगे उनको, जाओ बच्चेबाजी करो। कुछ नहीं तो इमरान खान को ले आएंगे, वो खुद चला जाएगा ऐसा बच्चा। किंग ऑफ दी बच्चा ले जा भैया, जान छोड़ो हमारी यार। और उसके वो आपने सुने वो लीक्स बताइए। अच्छा, यानी ये कैसा आदमी है? एक्सपर्ट जिगोलो था सर वो। सर माय गुडनेस, और वो कब से चल रहा है? अच्छा, उसकी बेगम साहिबा की जो करतूते हैं, वो क्या नाम है जो जादूगरनी है, पिंकी मैडम, बुशरा बीबी शायद नाम है, वो जादू करती। ही कुड नॉट पास अ लॉ और साइन एनी लेजिस्लेशन टिल शी डिड हर मैजिक। कमाल कर दिया, यानी सारी लिखाई पढ़ाई ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड, पता नहीं 25 गर्लफ्रेंड्स और 2000 बच्चे पैदा करके बेटियां इधर उधर छोड़ छाड़ के, एंड वो गेंडे का गेंडा रहा बिल्कुल डफर। गेंडा तो बहुत इंटेलिजेंट होता, आप गेंडे की इंसल्ट कर रहे हैं। गेंडा गेंडा साउंड कैसा है, इतना स्मार्ट होता तो नाम कुछ और रखता, राइनोसेरस। गेंडा क्या नाम हुआ, अरे आदमी गेंडा घूम रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गेंडा, ये को बात है। मुझे लगता है कि आपको बहुत जो है ना वो क्या है कि दुश्मनी, आप आज जो है वो मुझे रॉ से पैसा मिलता है सर, रॉ से राज से मिलता पैसा। वो आपके जो एक्स मुस्लिम है ना, उन्होंने भी आके कह दिया, वो तारिक फतेह जो है ना वो हिंदू का एजेंट है। इस्लाम छोड़ दिया आपने? ना 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 ना, उन्होंने छोड़ा है। वो कहते हैं हमने इस्लाम छोड़ा है, हमने हिंदुओं से दुश्मनी थोड़ी छोड़ी है। अच्छा, एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम का मीनिंग ये नहीं है कि वो आजाद है इस्लाम से। वो कहता है मुझे हिंदू से नफरत करने की पूरी इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कायदे आजम ने पैदा किया, तो मैं टू नेशन थ्योरी में बिलीव करूंगा, मैं मुगल सरदारों की जूते चाटूंगा, बस मुझे आप एक्स मुस्लिम कहें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है एक्स मुस्लिम। और ये तारिक फतेह तो राह के पैसे मिलते हैं, तो हिंदू है। ऑल एक्स मुस्लिम तो वो आपको कहेगा ना, आपने उसी दिन डिक्लेयर किया गया था कि मैं इस्लाम से फेड अप हो गया हूं, मैं छोड़ने वाला हूं। फेड अप होना इस, वो थोड़ी फेड अप हुए, वो हिंदू हेट्रिड को पवित्र करना चाहते हैं, कि उसके अंदर साइंस डाली जाए, जरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करके ये तय किया जाए कि हिंदू कितना घटिया है। क्योंकि वो एक्स होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में बैठ के जहां पे भी उनको करना होता है, उनके मुंह से हिंदुस्तान के लिए कभी ठीक बात मुंह से नहीं निकलेगी। और अरे वो तो हारिस सुल्तान है, वो तो बकवास करता है, उसको तो वो भी बेतहाशा पड़े हुए सर। दिस इज योर पासपोर्ट टू लिव फॉरएवर। क्या नाम है एक, वो आपका कनाडा वाले हैं 3-4 सर। सब देखिए, पैमाना जो है किसी देसी मुसलमान का टू बी कंसीडर्ड रैशनल इज, डज ही और शी एक्सेप्ट दैट ही इज ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री। If he's that stupid to say, नहीं मैं नहीं हूं, तो फिर उसको आप स्क्रैप हीप ऑफ हिस्ट्री में डाल दीजिए, जो जैसे मार्क्स ने कहा था, उधर ढेर में डालिए कचरे के डिब्बे में, वो खुद ही रॉट होके कुछ और बन जाएगा, उससे खेती वेती हो सकेगी। लेकिन हिंदू हेट्रेड करते हुए इनलाइटन नहीं हो सकता। वो मैंने आपको 2-3 हिंदुस्तानी एक्स मुस्लिम वाले भेजे थे ना, वो आपने पढ़ देखे सर, वो एंड में मैं खोद के निकाल दूंगा, आपको बता दूंगा। कुरेदिए जरा उसके अंदर, नाखून के नीचे से गंद वंद निकालिए, आपको असली माल दिख जाएगा। दिस हेट्रिड ऑफ इंडिया इज एम्बेडेड इन द जेनेटिक सिस्टम। ये मतलब ये क्या उनका रीजनिंग है, उनको क्या इंडिया से क्या उनका प्रॉब्लम है, कि वहां मैथमेटिक्स आती लोगों को, 50 मुल्कों के नाम है संस्कृत में,
या मुसलमानों को पना मिली है वहां पे? What is it that they hate about India? एक ही रूल है किसी की सैनिटी का सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान का. Does he consider Mr. Ambedkar's written constitution and his commentary on partition as truthful or not? Does he consider Maulana Hasrat Mohani as the Maulana who loved Krishna? किताब भी बड़ी अच्छी, The Maulana Who Loved Krishna. You should read it. मतलब अजी हजरत मोहानी तो वो थे जो कहते थे कि साहब की ये हमारे मोपल्लाओं ने जो हिंदुओं को मारा है उसमें उनकी गलती नहीं है. वो तो बेचारे डरे हुए मुसलमान थे इसलिए डरे हुए तो थे, लेकिन वो थोड़ी भेजा था उनमें, वो है नहीं करते थे. हजरत मोहानी जी के ऊपर तो मैंने कमेंट्री लिखी है मेरी किताब में. अच्छा, तो आप समझते मैं गलत कह रहा हूँ? आई थिंक ही वॉज थ्रू एंड थ्रू इंडियन. वो सब थे लेकिन वो पूरा का पूरा अपोलोजेटिक भी थे ना, वो तो उन्होंने जस्टिफाइड काटेगा थोड़ा तो मलेरिया होगा ना सर, तो गुंजाइश कर दें. अब हर कोई थोड़ी रॉ से पैसे खा रहा होता है मेरी तरह. अरे आप, आपको महीने का कितना मिल जाता है रॉ से? अरे बहुत मिलता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र. ऐसे ऐसे कह के जाते, घर पे लिख के जाते, अरे पोस्टर बना के घर पे लग गया, यहाँ कुत्ता रहता रा से पैसे खाता है. अभी देखिए, अभी तालिबान वाले जितने भी मार रहे हैं ना, उन्होंने 282 सिक्योरिटी वाले मार दिए 2022 में. सर उसके अंदर घुस तो वो तालिबान का नाम लेने से डरते हैं, उसको कहते हैं तो रा वाले मार गए, रा वाले मार गए. आप सोचिए रा वालों को फालतू में क्रेडिट मिल रहा है. अच्छा, दे वेंट इनसाइड अ कंटोनमेंट, कंटोनमेंट के अंदर जाके मारा उन्होंने. बन्नू में मारा, खानेवाल में मार दिया, आपके पंजाब के अंदर अभी परसों. इट मींस दैट द सोल्जर्स are not sure as to which army they should serve. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कंटोनमेंट एरिया है सर. हम भी हमारे भी कई रिश्तेदार फौज में हैं. You cannot enter a cantonment just like that. उसके at least a company is there of soldiers. अंदर officers रहते हैं, arms depot होता है, सब कुछ होता है. वो आए, घुसे, मारा पीटा, जला पीट के चले गए. हम तड़पते रह गए, वो मुस्कुरा के दिल दिए. पाकिस्तान. बट इट इज डेंजरस बिकॉज व्हेन दे किल विद ट्रूथफुलनेस, व्हेन वी किल वी नो वी आर रॉन्ग. ये इसको सर समझिए. हम जब कत्लेआम करते हैं बंगाली मुसलमान का, हम में हेट्रेड होती है. भूखा बंगाली, कमीना, भिकारी, वो जो मारता है, वो मारता है इस्लाम के नाम पे कि मेरा काम है डेथ डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि जन्नत आएगी नहीं जब तक के मरेंगे नहीं ये काफिर. और ये तो इंडियन है, ये कैसे मुसलमान हो गए? वो भी तो देखते हो ना कि जिन जिन लोगों ने हमने जिनको भेज के ऐसी तैसी की पाकिस्तान की, उसके नाम पे पाकिस्तान अपने मिसाइलों के नाम रखता, क्या इज्जत रह जाती है आप? ये तो असली इस्लाम तो तालिबान वाला ही है ना. असली इस्लाम सर किसी का नहीं है. असली इस्लाम की तो ऐसी तैसी नचोड़ के आपने रख दिया, उसको उठा के जिसकी मर्जी आई जिसने बना दिया. जब लेटरिंग नहीं थी सर, जब स्क्रिप्ट मौजूद नहीं था, कागज नहीं था, स्याही नहीं थी, नंबरिंग सिस्टम नहीं था, सारे कुरान के हर पेज पे हिंदू नंबरिंग है. अच्छा, ये बात आपने अच्छी बोली. ये बताइए कि ये कुरान में जो है, वैसे तो दाएं से बाएं लिखा जाता है, हाँ, लेकिन ये नंबर जो है, ये बाएं से दाएं क्यों लिखे जाते हैं? वो तो नंबर तो आप किसी ऑर्डर में भी लिख देना सर. मैं आपको कुछ दिखा दूंगा जो लेफ्ट टू राइट नंबर चल रहा है, और दी सूरज आर इन रिवर्स ऑर्डर. आप रैशनल अरबिक, पर्शियन और ये भी जितने हैं, ये सब राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं.
करेक्ट, लेकिन उसमें जितने भी न्यूमरल्स हैं वो बीच में है, वो मैं तो बहुत बीच में कंफ्यूज होते हैं, शुरू शुरू में पढ़ता था, मैंने कहा ये क्या चक्कर हुआ, और मैं उसको भी राइट टू लेफ्ट पढ़ता था तो वो उल्टा हो जाता था सर, तो पता चला बाद में कि न्यूमरल को तो लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, बाकी सबको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। जी, तो आप रैशनल थॉट लेके एक इरैशनल सोच को एनालाइज कर रहे हैं। द फर्स्ट कॉपी ऑफ द कुरान वॉज नॉट हैज नॉट बीन सीन अंटिल आफ्टर 800 The year 800, वो भी जर्मनी में पढ़ा, किसी उमैयद किसी मुगल कोई कुरान छोड़ा ही नहीं उन्होंने, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी कुरान की, उन्हें तीन मौलवी भी पकड़ के लाओ, लड्डू खिला देना फिरनी खिला देना, वो बोल देगा पढ़ता रहेगा सारी रात कुरान खानी पढ़ रहा झूम झूम के, वो अपनी लौंडियों के साथ बच्चेबाजी कर रहा है, औरतें रख रहा है, तो कहां के नवाब थे जिसकी 300 बीवियां थी वो अवध के, बताइए नवाब साहब जो है सबको चवन्नी का वजीफा मिलता है, चवन्नी का अभी भी लेके जाते हैं, वो तांगा चलाते हैं, अब तो तांगे बंद हो गए, अब तो रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा चलाते हैं और जाके उनका जो मुकर्रर है वजीफा वो नहीं छोड़ते, वो कहते हैं कि इससे तो हमारी आइडेंटिटी है, इससे हमारी पहचान है, हम अगर चवन्नी का वजीफा नहीं मिले लेंगे तो हम नवाब नहीं कहलाएंगे नवाब साहब। यू नॉट जोकिंग? आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, इट इज सो सैड। आप लखनऊ के चौक में जाकर पूछ लीजिए, आपको 50 नवाब मिल जाएंगे सारे चवन्नी का वजीफा। लखनऊ एक दिन गया था, वहां से फौरन आ गया, क्योंकि हर कोई मैंने देखा जो नॉन मुस्लिम भी है वो भी इतने दबदबे में रहता है लखनऊ से, तो वो हमारे दोस्त ने कहा भाई जल्दी निकल इस शहर में, इसमें कोई बद्दुआ दे देगा तो झुलस के यहीं मर जाएगा तू, ये लखनऊ वाले। आई मीन लखनऊ इज लाइक अनटचेबल इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, कि आप उंगली नहीं कर सकते, दिल्ली वाला नहीं कह सकता कोई लखनऊ से, भैया ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान आके ले जाए, दरियाए इंडस के बाद अफगानिस्तान नहीं आएगा, वहां अटक का रिवर है, उस पर वो बनाएंगे डैम, और फिर आपका दरियाए सिंध जो है वो सूख जाएगा। जिस दिन इनको अकल आ गई, इन्होंने नूर मोहम्मद तराकी को इसीलिए असैसिनेट किया था, नूर मोहम्मद तराकी वाज अ बॉम्बे गाय एंड सीपीआई मेंबर, वो जो पहुंचा वहां उसने पहला काम किया पाकिस्तानियों को बताया टिट टिट की ना तो ये काबुल रिवर के ऊपर डैम बन जाएगा और पानी नहीं आएगा इंडस में फिर, क्योंकि वो डायरेक्ट आता है अटक के पास एंड काबुल रिवर एंटर्स the mainstream of the Indus, जिसके बाद फिर इंडस में पानी जाता है। इन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हें खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। ज़ियाउल हक वाज विथ हिम एट द हवाना कॉन्फ्रेंस एंड विद इन अ मंथ नूर मोहम्मद तराकी वाज असैसिनेट, हाफिज़ुल अमीन से शायद मरवाया या समथिंग लाइक दैट। ग्रेट लॉस जो हुआ है उसका इंडिया में भी एहसास नहीं है कि कितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, कितने पढ़े लिखे लोग, वहाँ की यूनिवर्सिटीज, वहाँ का एटीट्यूड जो थे, मोस्टली द लीडरशिप वॉज अर्बन इंडियन एजुकेटेड, दे पाकिस्तान गॉट वाइप देम आउट विथ अमेरिकाज हेल्प एंड थ्रू देम बैक इन टू टाइम, वो जवाब मिल जाएगा पाकिस्तान। मैं तो सर मैं बेसिक्स पे जा रहा हूँ, मैं तो बेसिक्स पूछ रहा हूँ कि अफगानिस्तान जब कब्जा कर लेगा पूरे पाकिस्तान पे तो उसका नेशनल नेशनल एंथम क्या होगा? जो अभी है नेशनल एंथम वही होगा, पश्तो में शादबाद, मुझे शादबाद वाला पाकिस्तान विल सीज टू बी अ कंट्री सर, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज एन अब्रीविएशन, इसको जब आप समझेंगे दुनिया का कोई कंट्री नहीं है जो अब्रीविएशन से बना हो। यूएआर याद है आपको, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, उसका क्या हुआ हशर? जी 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 हाँ, सीरिया इजिप्ट सब एक बने थे, सारे मुसलमान इकट्ठे होके यूं करेंगे ठुस खत्म,
हिजाज और नजद मिले थे, सऊदी अरेबिया बना था, दो इंडिपेंडेंट मुल्क खत्म हो गए, उसका हशर क्या होने वाला आप देखिएगा। ये ऐसे थोड़े के लूट मची भी आप घर में बना रहे हैं, जैसे निहारी मुल्क बना दिया आपने उठा के पाकिस्तान, ना पश्तून बात कर सकता है सिंधी से, ना वो कर सकता है उसी से, पंजाबी है वो तो खैर आप उससे कुछ भी बुलवा लीजिए, वो जो उर्दू के साथ हशर कर रहे हैं पंजाबी, उस पर तो पूरे यूपी को थैंक यू करना चाहिए। ना फैज बोले पंजाबी में, ना इकबाल, कोई नहीं, सब शर्म से डर गए। और इकबाल कश्मीरी था। हाँ हाँ, ना ये चूड़िया की जबान है, ये चूड़िया की जबान है, ये ठीक जबान नहीं है, तुम्हें हम इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं कि तुम पंजाबी में बोलो हमसे, चूड़िया की जबान बोलना तेरे टर 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 तीन थप्पड़ मारते हैं, बच्चा सिर्फ उर्दू में जवाब दे सकता है, बच्चा माँ बाप से पंजाबी में बात नहीं कर सकता, ये किसी को नहीं पता इंडिया में, इसीलिए पूछते हैं फिर बीड़ी से कि बाप पंजाबी है मुसलमान कैसे हो गया। सर, लेकिन आप जो है आप इस बड़ी मजेदार जगह थी पंजाब, उसको आप लोगों ने पार्टीशन किया, दिस इज द ट्रेजेडी दैट हम हमने तोड़ाई किया, ये तो जिन्ना साहब ने किया, जिन्ना साहब ने किधर किया, पंजाब ने कभी नहीं वोट दिया मुस्लिम लीग को, कहां से आई मीन पंजाबी एक्सेंट से आप बोल रहे हैं तो उसका मतलब जिन्ना, जिन्ना को पूछता कौन था वहां पे, आपको पता है नेताजी के जलसे वहां पे जिन्ना से बड़े हुए हैं, when he escaped from Calcutta apne pashtun guard ke sath aur lahore pahunche he was received by an enormous crowd aur lahore mein punjab mein hindu muslim tension nahi thi sabki zuban wahi hai raw hai nahi hai is tarah aaj bhi sardar waise hi baat karte hain usse jaise hum acha wo impress karne ke liye sardar humse urdu mein baat karte hain sare exam kaise hain ओ मैं तेन की हमारे जो अब्बा थे ना वो फारसी थोड़ी जानते थे, तो मैं क्या करूं फारसी जानना, मैं क्यों, हाउ इज नोइंग फारसी ग्रेट कैप इन योर फेदर, पूरा पाकिस्तानी पंजाब इलिटरेट, द ओनली पीपल ऑन अर्थ हु आर इलिटरेट इन देयर मदर टंग, नो अदर पीपल ऑन अर्थ so proud of their stupidity. बिल्कुल ठीक है ना, तो अभी उर्दू सीखते हैं, आगे पश्तो सीख जाएंगे, अच्छा खुदा के बाद पश्तूनों से वो हाथ जोड़ेंगे, इतना डर क्यों है पश्तूनों से, वो कह रहे थे कि साहब की जो है पंजाबी सोल्जर जो है वो पश्तूनों को देखते ही भाग लेता है, उसको लगता है कि कहीं उसके पिछवाड़े में वो बच्चाबाजी नहीं करने, सब पश्तूनों को डर है कि उनकी जबान तबाह हो जाएगी, पंजाबी जो जबान बोलता है उस जबान का हशर नशर हो जाता। आप मुझे बताइए, यू आर यू विल बी, दिस इज नॉट अ जोक, आउट ऑफ 500 मेजर नेशनैलिटीज इन द वर्ल्ड, लिंग्विस्टिक नेशनैलिटीज, द ओनली पीपल हु लेजिस्लेटेड अगेंस्ट देयर ओन मदर टंग आर पंजाबी मुस्लिम्स। सिंधी भी तो है, सिंधी तो अपनी सिंधी बोलता है ना, लिखता है, पढ़ता है, फाइट करता है सिंधी जबान के लिए, बलोच भी लड़ता है, पश्तून भी लड़ता है, बंगाली भी लड़ता था, पंजाबी कहता था तेनू की हो गया है तू, ये यू हैव नो आइडिया व्हाट अ मिजरेबल, आप किसी पंजाबी मुसलमान से पूछो कि तेरी हिस्ट्री क्या है, ही हैज नो क्लू, तू आया किधर से है, तेरी जबान कहाँ से बनी है, तेरा बादशाह कौन था, रंजीत सिंह क्या था, अरे उसके मुकाबले का मुसलमान कोई था या नहीं था, कोई गंगाराम हॉस्पिटल का गंगाराम हॉस्पिटल क्यों नाम है, दे हैव नो क्लू, आप समझे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, आप किसी अपने गेस्ट से पूछिए कि लाहौर का नाम लाहौर क्यों है, ही हैज नो आइडिया, उसको राम का नहीं पता तो लाहौर का क्या पता होगा, मैंने उस सवाल को सीता के नाम से भी करके देखा कि भैया शायद नो ना कसूर का पता है ना लाहौर का पता, एंड जिन्हें लाहौर नहीं वेखे उन्हें कुछ, वो जमिया ही नहीं,
दिस इज अ पंजाबी लाइन, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ भाई, किस बात के लिए? He doesn't know, बस कह रहा है वो तो पहले शुरू तो यही गल कर दिया ऐसे भैया, वो शहर है लव के नाम का, पता ही नहीं है किसी के शहर में रह रहे हो और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं पता। आपको पश्तो आती है क्या? नो आई कांट स्पीक पश्तो, मैं सोच रहा हूँ मैं पश्तो सीख लूं। पश्तो में हमें नारा आता था पख्तून जमंगा रोड़ दे, इसका मतलब है पख्तून जवान जो है वो कुचल देगा तुम। हाँ ये बताइए फिर से क्या, पख्तून जमंगा रोड़ दे, जमंगा रोड़ दे, ये मैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट को बोलूंगा, अरे पख्तून जमंगा रोड़ दे, पख्तून जमंगा रोड़ दे, बिल्कुल। अब इसी पॉइंट पे समाप्त करते हैं, पख्तून जमंगा रोड़ दे, रोड़ दे, रोड़ दे। बंगला में भी होता था, बंगला में होता था, वो भी नहीं पंजाबी ने सीखा, वो था संग्राम संग्राम चौलवे चौलवे जनता संग्राम चौलवे चौलवे संग्राम संग्राम चौलवे चौलवे चौलवे। कोई बात नहीं, तो आप हर साथ पख्तून जमंगा रोड़ दे, आजाद अफगानिस्तान जिंदाबाद, हाँ पाकिस्तान तो, बनेगा अफगानिस्तान, हाँ इसमें तो आपको भी रॉब को पैसे मिल जाएंगे, ट्राई करिए सर। हाँ ट्राई करता हूँ, बिल्कुल सही है। देखिए तारिक फतेह को क्यों मिलते हैं, आधा प्रोग्राम तो मैंने किया राख राख वैसे अगर कोई जानने वाला है तो कह दीजिएगा कि मिलता मिला था कुछ नहीं क्या भैया प्रोपेगेंडा तो बंद कराओ। ओके सर, टेक केयर, गुड नाइट, नया साल मुबारक हो सर, जय हिंद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।